हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम अगेन, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों, आगे के लेक्चर में हमने ईएमएफ सीरीज, उसके आगे इनोड सेल, स्टैंडर्ड सेल, पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाफ सेल, हाइड्रोजन सेल, गैल्वेनिक सेल, द बेसिस ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट। जो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यू आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसमें से ज़्यादातर एमसीक्यू ऐसे हैं जो जेडब्ल्यू और नीट या उसके जैसे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। वही क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर दोस्तों यही एमसीक्यू सॉल्व करने के बेस करने के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट रहेगा। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो पहले दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1-4। तो वो क्वेश्चन को दोस्तों एकदम ठीक से पढ़ना है, वीडियो पॉज करके अपने से वहाँ पे पहले उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा उसके साथ कंपेयर करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। दोस्तों, एनोड पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है हमको पता है, ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। एनोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन है। यू कैन सी 2H++1O2 गिव्स H2O। अगर ये रिएक्शन की दोस्तों हम बात करें तो H++1O2 it means दोस्तों रिएक्शन कुछ इस तरह से है, 2H++1O2 gives H2O। सो हाइड्रोजन इज प्लस वन फॉर्म, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दोस्तों ऑल्सो इन प्लस वन फॉर्म H2O ही मिलता है। O2 02-2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जीरो है वन ऑफ O2 का, और यहाँ पे -2। सो ये क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व्स द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कैन नॉट पॉसिबल एट एनोड, रिडक्शन रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड, सो ये तो है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों सिमिलरली F2, अगर F2 की बात करें, F2 यानी 0 to 2F-1। सो हम ये कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज दोस्तों, यहाँ पे भी क्या हुआ, 0 to -1 डिक्रीज मीन्स ये रिएक्शन भी रिडक्शन ही है। उसके बाद बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों है बट पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल है एट कैथोड। देन Cr+3+H2O गिव्स Cr2O7, और यहाँ पे दोस्तों जरा करेक्शन करना है, वहाँ पे Cr2O7 दिख रहा है 2, एक्चुअली दैट इज -2, डाइक्रोमेट आयन है। सो यहाँ पे इमेज में भी जरा आपको एक करेक्शन रखना है, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, यहाँ पे था Cr+3। अगर आप देखो और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, Cr2O7-2 में +6 मिलेगा, यहाँ पे +3 था। अभी ये मैंने शॉर्टकट कर दिया, डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख दिया, बट यू आर अवेयर द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइक्रोमेट। You know that 2Cr+7 oxygen is equal to -2. Oxygen is -2 from 7 × 2, but -2 is equal to -14. 2 chromium minus 14 is equal to -2. अगर -14 सामने जाएगा तो +14. 2 chromium is equal to +14 − 2. +14 − 2 is equal to +10. +12. 2 chromium is equal to +12. So that chromium is equal to +6. Yeah, +6. Increase in oxidation number solves the oxidation reaction. So, option D, chromium+3+7H2 gives Cr2O7-2, यहाँ पे देखना है +14H+. That's the right answer. Okay. The second MCQ, which of the following reaction is not possible? इनमें से कौन सी reaction possible नहीं है? ओके दोस्तों, फर्स्ट रिएक्शन इज KBr+Cl2 गिव्स KCl+Br2। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे हमको यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था, ज्यादातर केस में ईएमएफ सीरीज से आपको वैल्यू दी ही जाती है। सो यहाँ पे दोस्तों हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन कौन सी रिएक्शन है, Br-Br2, Cl-Cl2,
यस बस इतनी जरूरत है हमको। अगर ये वैल्यू हमको मालूम होगी तो ये रिएक्शन आप इजीली आइडेंटिफाई करते हो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके हम डायरेक्टली आंसर पे फोकस करते हैं। सो अवर आंसर इज सी। अभी सी आंसर क्यों आ रहा है? ओके इन क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज सी। वहां पे कौन सी रिएक्शन है? ट्वाइस के बी आर प्लस आई टू गिव्स ट्वाइस के आई प्लस बी आर टू। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली रिएक्शन क्या हो रही है? यहाँ पे रिएक्शन ये होनी चाहिए I2 को क्या करना है, I2 को दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2I माइनस बनाना पड़ेगा। और ये जो 2 इंटू बी आर माइनस है, K प्लस बी आर माइनस, इसको क्या करना पड़ेगा? 2 बी आर माइनस गिव्स बी आर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बट एक्चुअली ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल हो तो हो सकती है। अगर ब्रोमीन चाहे तो आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट आयोडीन ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो दिस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके एंड दी सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन ही था, माफ कीजिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन था। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन आर गिवन इज फॉलो। यहाँ पर दोस्तों स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको वैल्यू दे रखी है। इन व्हाट Fe प्लस 2 ऑब्लिक Fe प्लस 3 ऑब्लिक Fe प्लस 2 इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट। इन व्हाट Sn प्लस 2 ऑब्लिक Sn इज इक्वल टू -0.14 वोल्ट। By using such a value, calculate the potential of given reaction. यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करो। दोस्तों सिंपल है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इनोट सेल इज इक्वल टू इनोट रिडक्शन कैथोड माइनस इनोट रिडक्शन एनोड। कैथोड पे अगर रिडक्शन हो, कैथोड पे जो आप सेल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, उससे हमको क्या माइनस करना है? एनोड पे जो आप सेल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। बट हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कैथोड बनेगा और कौन सा एनोड। तो हमने आगे दोस्तों ये पढ़ा था, जो भी दो हाफ सेल को हम अटैच करके गैल्वेनिक सेल बना रहे, इन दैट पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल जो भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और वी कैन से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होगा वही कैथोड बनेगा। सो Fe प्लस 3 प्लस 2 ये रिएक्शन तो एक्चुअल में रिडक्शन ही हुई ना। अगर Fe प्लस 3 फॉर्म में और एक इलेक्ट्रॉन कैच करेगा तभी Fe प्लस 2 बनेगा। इसके लिए जो वैल्यू है दैट इज प्लस 0.77 वोल्ट। और Sn प्लस 2 ऑब्लिक Sn का -0.14। सो वी कैन से सर कैथोड कौन सा रहेगा Fe और एनोड कौन बनेगा स्टेनस। सो वी कैन राइट हियर E नॉट Fe प्लस 3 ऑब्लिक Fe प्लस 2 माइनस E नॉट Sn प्लस 2 ऑब्लिक Sn। कहीं पर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है Fe प्लस 3 ऑब्लिक Fe प्लस 2 की उसकी जगह पे क्या लिखेंगे Fe प्लस 2 ऑब्लिक Fe प्लस 3। ये रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पे वो क्या करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे एंड दैट वैल्यू इज -0.77 वोल्ट। सो हम कंफ्यूज हो जाएंगे सर इसमें सो तो स्टेनस का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, बट हम एक्चुअल में वो नहीं देखेंगे, वहां पे रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले यही वेरीफाई करना है दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना, अगर नहीं है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो। ओके ऑक्सीडेशन से भी सॉल्यूशन हो सकता है बट ये इजी रहेगा। ओके इसके लिए हमको वैल्यू क्या दी है 0.77 माइनस -0.14 ये तो माइनस ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो योर आंसर इज 0.77 प्लस 0.14 द सम ऑफ टोटल इज 0.91 वोल्ट। क्लियर है? ओके दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। व्हाट इज ट्रू फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ द सेल। दोस्तों अगर ये सेल की बात करें या फिर कोई भी थर्मल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की बात करें, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी उसके लिए जो कंडीशन है दैट ऑलरेडी लर्न इन थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है दैट द डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी अगर सर नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और उसके साथ दोस्तों हमने एंथैल्पी की अगर बात करें तो एंथैल्पी के लिए भी ये पढ़ा था ज्यादातर केस में अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो एंथैल्पी भी नेगेटिव होगी। नेगेटिव इन द सेंस पर्टिकुलर फ्रॉम दैट रिएक्शन एनर्जी और वी कैन से एंथैल्पी जनरेट होगी। सो
यहाँ पे दोस्तों हमको ऑप्शन दे रखे हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट ऑप्शन, अगर डेल्टा जी दोस्तों जीरो हुआ देन सेल इन इक्विलिब्रियम स्टेट, वो पॉसिबल नहीं है। डेल्टा जी नेगेटिव प्लस डेल्टा डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी नेगेटिव है दैट इज ओके, दैट इज द साइन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट डेल्टा एच जीरो तो सर गैल्वेनिक सेल है, यहाँ पे तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सो कुछ तो आउटपुट चाहिए ना, यहाँ पे आउटपुट जीरो है दोस्तों, सो वो भी पॉसिबल नहीं है। डेल्टा जी पॉजिटिव नॉट पॉसिबल, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड द लास्ट वन इज डेल्टा जी इज नेगेटिव दैट इज ओके, उसके साथ डेल्टा एच के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी डेल्टा जी से हमारा काम हो जाएगा। ओके सो ये पहले चार क्वेश्चन थे, नाउ गो फॉर दी नेक्स्ट फोर और फाइव क्वेश्चन। ओके दोस्तों अगले और चार या पांच क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हो एकदम इजी क्वेश्चन है, बट पर्टिक्युलर कंटेंट बेसिस है, आपने कंटेंट में कितना ध्यान रखा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यूज ऑफ ई नॉट एम प्लस थ्री ऑब्लिक एम प्लस टू फॉर मेटल क्रोमियम मैंगनीज आयरन एंड कोबाल्ट आर। सो क्रोमियम प्लस थ्री टू प्लस टू, मैंगनीज प्लस थ्री टू प्लस टू, Fe प्लस थ्री टू प्लस टू, CO प्लस थ्री टू प्लस टू। उसके लिए दोस्तों हमको वैल्यू दे रखी है माइनस पॉइंट फोर वन वोल्ट, पॉइंट फाइव फिफ्टी सेवन वोल्ट, पॉइंट सेवेंटी सेवन वोल्ट एंड पॉइंट वन पॉइंट नाइन सेवन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। सो देन हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली कन्वर्टेड इन टू प्लस टू टू प्लस थ्री। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये रखा है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इजी प्लस टू टू प्लस थ्री होगा। दोस्तों अगर प्लस टू टू प्लस थ्री की बात करें, एक सिंपल फंडा है, सॉरी क्वेश्चन अभी पीछे सिंपल फंडा है, अगर मेरे को ऑलरेडी मेरे पास मेटल है दैट मेटल इन प्लस टू फॉर्म और उसको प्लस थ्री में कन्वर्ट करना है, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस मार्कर, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज मेटल प्लस टू, अगर ठीक से ना दिखे तो समझो, एम प्लस टू गिव्स एम प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एम प्लस टू मेटल है दैट एम प्लस टू कन्वर्ट इनटू एम प्लस थ्री प्लस टू टू प्लस थ्री, इट मीन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, और आपको ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होगा। सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो, आई रिपीट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा। सो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, दैट इज माइनस पॉइंट फोर वन, आई रिपीट दैट इज माइनस पॉइंट फोर वन, सबसे कम है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो माइनस पॉइंट फोर वन क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट फोर वन, और जो भी प्लस वैल्यू है प्लस पॉइंट फाइव सेवन, प्लस पॉइंट सेवन सेवन, प्लस पॉइंट वन पॉइंट नाइन सेवन, वो नेगेटिव हो जाएगी। सो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा क्रोमियम का, इस सब में से सबसे इजीली सी आर प्लस टू कन्वर्ट इन टू सी आर प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स X, Y एंड Z आर। दोस्तों यहाँ पे जो तीन मेटल है उन सबके स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखे हैं फॉर दी X, फॉर दी Y एंड फॉर दी Z। ओके क्वेश्चन क्या है, पहले वो वैल्यू लिख देते हैं, फॉर X माइनस 1.2 वाट, ओके उसके बाद Y के लिए प्लस 0.5 वाट एंड दी फॉर Z माइनस 3.0 वाट। ओके द क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ थ्री मेटल्स आर, ये जो तीनों मेटल है उसका रिड्यूसिंग नेचर कैरेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। दोस्तों रिड्यूसिंग नेचर कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब खुद का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर मेरा खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी तो मैं सामने वाले का रिडक्शन कर पाऊंगा, तभी मेरा रिडक्शन पावर ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट पावर ज्यादा होगा। सो मेरा रिडक्शन, मेरा ऑक्सीडेशन कब ज्यादा होगा, जब मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर हो या फिर यू कैन से मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो हम दोस्तों यहाँ पे ये कह सकते हैं जिसका, आई रिपीट, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो पर्टिकुलर रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वर्ड यहाँ पे यूज करा है, एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज नथिंग बट दी रिडक्शन पोटेंशियल।
यहाँ पे दोस्तों रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे कम वैल्यू किसकी है, जेड की, दैट इज -3.0 वोल्ट। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, दैट इज +3.0। सो सबसे इजीली वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। सो अगर खुद का ऑक्सीडेशन जल्दी होता है तो सामने वाले का रिडक्शन जल्दी करेगा, सो उसका ऑक्सीडेशन नेचर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद -1.2, दैट इज एक्स, एंड द लास्ट वन इज वाई। सो आवर आंसर इज जेड इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn+2/Zn, Ni+2/Fe+2/Fe-R, -0.76, -0.23 and -0.44 respectively। सो इन विच कंडीशन रिएक्शन, यहाँ पे कौन सी कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन, x+y+2 गिव्स y+x+2, ये रिएक्शन कब पॉसिबल है? दोस्तों सिंपल है, ये रिएक्शन कब पॉसिबल बनेगी, यहाँ पे जो x है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम रहा, आई रिपीट, यहाँ पे जो x है x का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम रहा किसकी कंपैरिजन में, y की कंपैरिजन में, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहा उसका रिडक्शन होगा। सो ऐसी पेयर, यहाँ पे दोस्तों कितनी पेयर पॉसिबल है, ऐसी 3 पेयर पॉसिबल है, x+y, xy, yz and xz, कुल 3 पेयर पॉसिबल है टोटल। वही 3 पेयर में से दोस्तों हमको यही आइडेंटिफाई करना है कौन सी राइट पेयर है जहां पे x का रिडक्शन पोटेंशियल कम ले और y का ज्यादा ले। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी, x = Zn and y = Ni। देखो अगर यहाँ पे इसको मैं लेता हूँ Zn और इसको लेता हूँ Ni+2, then the reaction Zn+2+Ni solid is possible। How? Standard reduction potential of Zn, I repeat, standard reduction potential of Zn is -0.76 and for nickel is -0.23। So हम ये कह सकते हैं अगर Zn x है और ये y है तो y का standard reduction potential ज्यादा है। अगर दोस्तों हम बात करें जिंक और आयन की, आई रिपीट, अगर हम बात करें यहाँ पे Ni+2 की जगह पे अगर Fe+2 ले तो भी ये रिएक्शन होगी, तो भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगी। क्यों? क्योंकि Fe का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है, दिस इज -0.76, दिस इज -0.44, बट वो ऑप्शन नहीं दिया है हमको। देखो जहाँ पे x = Zn रहे और y = Fe+2 रहे, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास नहीं है, y = Fe+2। थर्ड ऑप्शन इज अगर यहाँ पे दोस्तों x है, x की जगह पे अगर हम यहाँ रखे निकल और यहाँ पे x की जगह पे निकल पॉसिबल है, यहाँ पे रखे हम Fe और यहाँ पे रखे Ni+2, तो भी हमको मिलेगा Fe+2/Ni, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe इज -0.44, फॉर निकल -0.23, सो -0.23 इज हायर देन Fe, ये भी पॉसिबल है। बट ऑप्शन में देखो कहीं पे x = Fe and y = निकल दे रखा है, ऐसा ऑप्शन भी नहीं है पॉसिबल। ये तीनों है, तीनों कंडीशन, बट तीनों में से एक ही पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दे रखा है, सो दैट वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन डी। ओके, देन उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको खुद से सॉल्व आउट करना है, सेल्फ इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। तो क्वेश्चन इज इन व्हाट Cr+3/Cr = -0.74 वोल्ट, MnO4- Mn+2, MnO4- इट मींस Mn+7 2+2, MnO4- में आपको ये मालूम है MnO4- में Mn इज इन +7 फॉर्म, MnO4 में Mn कौन से फॉर्म में है, +7 फॉर्म में। सो Mn+7 2 Mn+2 = कहाँ पे, 1.51 एंड Cr2O7
ऑब्लिक सीआर प्लस थ्री इज इक्वल टू 1.33। वहां पे दोस्तों हम लिखेंगे सीआर प्लस सिक्स टू सीआर प्लस थ्री, सॉरी सीआर प्लस सिक्स ऑब्लिक सीआर प्लस थ्री, कुछ इस तरह की रिएक्शन है। प्लस सिक्स टू प्लस थ्री की बात कर रहे हैं, दैट इज 1.33। एंड इन ऑड सीएल ऑब्लिक सीएल माइनस, दैट इज 1.36। तो आपको यही एक ऑप्शन चाहिए। फ्रॉम अबाउ गिवन इंफॉर्मेशन डिसाइडेड विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए खुद का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होना चाहिए, और ये सभी के रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दे रखे। ज्यादातर केस में क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देते हैं और कुछ का रिडक्शन, यहाँ पे सभी का रिडक्शन ही दे रखा है। यू कैन वेरीफाई दैट सभी की रिडक्शन रिएक्शन की बात हुई है। तो सिंपल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे जल्दी खुद का रिडक्शन करेगा और सबसे जल्दी सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, सो दैट वैल्यू इज 1.51 वोल्ट फॉर MnO4 माइनस। सो योर आंसर इज डी, MnO4 माइनस। सिंपल, क्लियर है दोस्तों। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर आई स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, पहले ये क्वेश्चन जितने आपको भी दिख रहे हैं जितने का सॉल्यूशन, उसमें कोई क्वेरी कोई कंफ्यूजन है जो आपने खुद से सॉल्व किया था तो उसको वेरीफाई कर लो, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड अबव क्वेश्चंस। क्लियर, ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज टू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ गिवन सेल। एक सेल को दे रखा है, उसको सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। हमने ऑलरेडी दोस्तों ये सेल रिप्रेजेंटेशन देखा है। सेल रिप्रेजेंटेशन इज प्लेटिनम, प्लेटिनम इंडिकेट्स गैस इलेक्ट्रोड इज देयर, ऑब्लिक Br2 ऑब्लिक Br माइनस। दोस्तों यहाँ पे ये आयन फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में है। डबल एरो इंडिकेट सॉल्ट ब्रिज, देन Cl माइनस ऑब्लिक Cl2 ऑब्लिक Pt। यहाँ पे क्या होगा, एक्वियस फॉर्म और ये होगा लिक्विड और गैस फॉर्म। ओके, यहाँ पे दोस्तों गलती करी है इन लोगों ने, मे बी Cl2 इन गैस फॉर्म और उसको आप लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। Cl2 कैन नॉट पॉसिबल है, Cl2 वाटर पॉसिबल है सॉरी, बट यहाँ पे सेल में ज्यादातर गैस में वो गैस फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें तो हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ट्रू, कौन सी रिएक्शन सही है। दोस्तों हम क्लियरली ये कह सकते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमको मालूम है कौन कौन सी रिएक्शन होती है, विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड। तो आप ये बोलेंगे सर दिस इज एनोड, ये एनोड है एंड दिस वन इज कैथोड, ये कैथोड है। अगर एनोड कैथोड हमारे पास आइडेंटिफाई है तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती होगी, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन। सो अगर एनोड की बात करें, एनोड का ऑक्सीडेशन करना है मेरे को, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा सर, अगर ये Br- है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Br2 में कन्वर्ट हो तभी, और बना Br2 में कन्वर्ट होगा तभी ये ऑक्सीडेशन होगा। सो वी कैन राइट 2Br- गिव्स Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट द सेम टाइम एट कैथोड Cl2 इज देयर, Cl2 कैच द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू 2Cl-। सो टोटल रिएक्शन शुड बी, क्या रिएक्शन होगी, 2Br- प्लस Cl2 गिव्स, दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसल, Br2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl-। दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल है। ऑप्शन ए, आई रिपीट ऑप्शन ए इज सुटेबल फॉर अस। ऑप्शन ए में हमको जो चाहिए वही ऑप्शन आपको दे रखा है। अभी दोस्तों एक चीज यहाँ पे आपने गौर करी होगी, ये तो क्वेश्चन ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिवर्सिबल हुआ तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है, फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन सेल रिएक्शन, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो पहले काम करते हैं, हम एक सेल रिप्रेजेंटेशन याद करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कौन सा वाला हमने पढ़ा है, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आई रिपीट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑफ कॉपर एंड जिंक। वहां पर हमने ये लिखा था जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn+2 then salt bridge Cu+2 aqueous ion oblique Cu solid, यही था। so यहाँ पे क्या था, first is pure form then ionic form, यहाँ पे क्या था ionic form then plus form और pure form, यही दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है pure form to ionic form, ionic form to pure form।
बट एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है, एक्चुअल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है बी आर माइनस टू बी आर टू, यू कैन सी बी आर माइनस टू बी आर टू, और एक्चुअल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है सी एल टू सी एल माइनस। अगर कोई बंदा इसको ऐसा लिखे प्लेटिनम ऑब्लिक डी आर माइनस ऑब्लिक बी आर टू देन सॉल्व दिस देन सी एल टू ऑब्लिक सी एल माइनस देन पी डी, तो रॉन्ग होगा। रिएक्शन एक्चुअल में वही हो रही है जो अभी हमने बताई, जो यहाँ पे रिएक्शन में देखी है, बट उसका एग्जैक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा, पहले उसका प्योर फॉर्म देन आयनिक फॉर्म, एट द कैथोड पहले आयनिक फॉर्म देन प्योर फॉर्म, बट और यहाँ पे ये दोनों फॉलो हो रही है, प्योर फॉर्म से ही आयन बनता है और आयन से ही प्योर फॉर्म आ रहा है, बट पर्टिकुलर फॉर दिस सेल यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शन तो यही है बी आर माइनस से, ये एक्चुअल रिएक्शन है Cl माइनस सॉरी Cl2 टू Cl माइनस, ये एक्चुअल रिएक्शन है, बट रिएक्शन के बेसिस पे नहीं लिखना है इसका रिप्रेजेंटेशन, एज पर एज रूल होगा, और एज पर एज रूल प्योर फॉर्म देन आयनिक फॉर्म देन सॉल्ट ब्रिज आयनिक फॉर्म देन प्योर फॉर्म देन प्लेटिनम फॉर द गैस इलेक्ट्रोड। तो ये क्वेश्चन अगर वाइस वर्सा रिवर्सिबल आता है तो अभी गलती होनी चाहिए नहीं है, क्लियर दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी के तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्यूशन करने हैं, होमवर्क में सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पे आप फिर से कुछ क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13 ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज मेटल ए मेटल बी एंड मेटल सी हैज रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल ए के लिए कौन सा दे रखा है 0.34 वोल्ट, देन मेटल बी के लिए माइनस 0.80, देन द मेटल सी फॉर मेटल सी माइनस 0.46 वोल्ट। सो गिव ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटी एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पे दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट कैपेसिटी आइडेंटिफाई करें, सर ये तो अभी किया था, कौन सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर कंटेंट मेटल होगा जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, इट मींस जिसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है दैट इज माइनस 0.80 दैट इज फॉर द मेटल बी। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन जल्दी से करेगा तो सामने वाले का रिडक्शन जल्दी करेगा तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट नेचर ज्यादा होगा। सो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट ऑप्शन बी का हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन हमारे पास है That is option C. Option C में आप क्लियरली देख सकते हो, I repeat, option C में दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो, option C ही एक ऐसा option है जिसमें सबसे ज्यादा reducing agent nature B का हो, इस तरह का suitable option है। कई बार ऐसा ही होगा दोस्तों पूरा MCQ solve भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आप बात करो तो B के बाद यहाँ पे C और A आएगा, उसका solution आप देख सकते हो माइनस 0.46 माइनस सॉरी प्लस 0.34 वोल्ट। So, ये माइनस 0.36 अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन होगा प्लस 0.46 और ये प्लस 0.34 है तो ये क्या होगा माइनस 0.34। सो सेकंड नंबर पे आएगा सी देन ए, ऑप्शन इज सी। ओके उसके बाद दोस्तों तीन क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, इसमें से कौन सा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, उसके बाद आपको ये दोस्तों सॉल्यूशन करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन पॉसिबल विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूजिंग, जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कब होगा दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर की थियरी में हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में गैल्वेनिक सेल को एक बार बनाने के बाद उसका सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट मिलता है फॉर दी कॉपर एंड जिंक सेल, उसके बाद हमने अलग अलग तीन कंडीशन उसके साथ रिलेट की थी, अगर जितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उतना ही पोटेंशियल अटैच करे, आउटर सोर्स अटैच करे या फिर उससे कम करे या फिर उससे ज्यादा करे, तो ये कंडीशन थी जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन रहा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन चेंज हो रही थी, वो ऑप्शन कौन सा था दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड दे गिव द आंसर। ओके सो दोस्तों ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे उसमें से एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के सभी क्वेश्चन JEE या नीट एग्जाम में आ चुके हैं। सो यही क्वेश्चन फिर से आएंगे ये हम नहीं कह सकते, बट द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन एग्जाम इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। अगर ये लेवल के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इट मींस यू आर एबल टू सॉल्व दी JEE या नीट क्वेश्चंस, क्लियर है।
तो दोस्तों जितने क्वेश्चन अभी आपको वर्कशीट में ऑलरेडी मिल चुके हैं उसको अभी जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर देना। अगर कोई क्वेरी है बिफोर द डाउट सॉल्यूशन लेक्चर यू कैन सेंड योर क्वेरी वाया व्हाट्सअप, व्हाट्सअप से आप उसके आगे भी क्वेरी भेज सकते हो। क्लियर है? ओके तो तब तक दोस्तों बाकी के एमसीक्यू सॉल्व करना है। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।